धनुष का सेकेंड डायरेक्टियल मूवी रायन कैसे हुआ है चलिए जान लेते। मैंने इसका हिंदी वर्षन देखा है, ये एक गैंगस्टर ड्रामा है, उसके अंदर बिट्रे लाव ये सब कुछ डाला है। धनुष ने ये पुराने ओल्ड स्टोरी को नया तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे लगा कि सेकेंड हाफ में इसका एग्जीक्यूशन ठीक तरह से नहीं हुआ और इसलिए कुछ अच्छा बना नहीं। लेकिन फर्स्ट हाफ काफी इंटरेस्टिंग था और इंटरवल ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन था। इस मूवी का स्टोरी कुछ ऐसा है कि धनुष और उनके दो भाई और एक बहन है, तो वो लोग जब छोटे थे तब एक दिन उनके पिताजी और माताजी कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो बाजार चले गए और फिर कभी लौटे नहीं। और उस टाइम में वो एक धनुष बड़ा भाई है तो वो पुजारी के पास गया, तो पुजारी क्या किया, उनकी जो छोटी बहन है जो एकदम दूध पीता इतना छोटा है छोटी है उसको छीनने की कोशिश किया और धनुष ने उसको मार दिया। और फिर दोनों वो तीन भाई और बहन भाग के चला आए और एक जगह पे काम करने लगा। और जब वो बड़ा हो गया तो उसमें उसका जो मझला भाई है वो थोड़ा आवारागर्दी करता फिरता है और बाकी दो भाई और बहन पढ़ता है। और अब क्या हुआ कि ये जो मझला भाई है यानी जो रोल किया सुदीप कृष्णा ने, वो एक दिन एक बार में पी रहा था तो कुछ गुंडों के साथ उसका लफड़ा हो गया और एक को मार दिया और वो एक बड़ा गुंडा का बेटा है। तो उसके बाद क्या होता है ये इस मूवी का स्टोरी है। मैंने इस मूवी का स्टोरी आप लोगों को काफी बता दिया है क्योंकि इसके बाद से स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसके पहले तक मैंने मतलब जब तक मैंने स्टोरी बताया उसके पहले तक ये मूवी थोड़ा धीमे चल रहा था, लेकिन फर्स्ट हाफ में जैसे ही ये मर्डर होता है उसके बाद काफी स्टोरी पिक होता है और हाफ टाइम तक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही टेंस बहुत ही एंगेजिंग रहा। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ ये मूवी बिल्कुल आसमान से एकदम जमीन पे गिर गया, ऐसा हो गया। इतना गिर सकता है ये एक मूवी, मुझे समझ में नहीं आया कि राइटिंग में धनुष ने इतना गलती कैसे कर दिया कि मूवी का जो कोर प्लॉट था वो कोर प्लॉट क्या है कि पुराने स्टोरी है, एकदम पुराना स्टोरी है। थोड़ा इसमें गैंगवार और पुलिस ने इस गैंगवार को खत्म करने की कोशिश, उसमें बिट्रे सब कुछ डाला है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन धनुष ने ठीक तरह से कर नहीं पाया। इस मूवी का कैमरा वर्क काफी अच्छा है, म्यूजिक काफी अच्छा है, एक्टिंग सभी ने बेहतरीन किया है, नो डाउट इतनी अच्छी काम किया है धनुष सुदीप कृष्णन और बाकी जो भी एस जयसूर्या सॉरी एस सूर्या, तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया और ये उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए ये मूवी थोड़ा देखने लायक बना है। इस मूवी का कलर ग्रेडिंग काफी अच्छा है, लेकिन क्या है कि इस मूवी का ना जो एग्जीक्यूशन सेकेंड हाफ में इतना बुरा है कि आप लोग बिल्कुल बोर हो जाओगे, तो लगेगा कि चले भाई आप उठ के चला जाता है, इतना ही खराब है। मतलब मैंने कहा ना कि आसमान से गिर के जमीन पे ऐसा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि सेकेंड हाफ इतना बुरा इसलिए कैसे बना लिया धनुष ने। और इसका लेंथ जो है वो मुझे लगता है कि 10 मिनट अगर कम होता तो बेहतर होता, क्योंकि 2 hours 25 minutes का ये मूवी है, मेरे हिसाब से 2 hours 10 minutes या 15 minutes ये मूवी के लिए ठीक ठाक था। ओवरऑल कहा जा सकता है ये एक गैंगस्टर ड्रामा है और वन टाइम वॉचेबल मूवी है। इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिलने वाला और इसलिए मैंने देखा थिएटर में काफी खाली है। हो सकता है कि ये अगर OTT में जब आए लोगों को काफी पसंद आए, लेकिन थिएटर में बैठ के शायद उतना मजा नहीं आएगा और इसलिए मैं रायन मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को ये रायन मूवी अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लोग अगर देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए और मैंने आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।